हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 46 और तिथि है 19 अक्टूबर 2020 और आज हम देखेंगे गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वो जो हमारी बॉल होती है ना, गोला, उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये आज हम सीखेंगे। तो गोला हमें आसपास कहाँ कहाँ दिख सकता है? गोला हमारी पृथ्वी है, हमारे पास बॉल्स होती हैं, ये जो ग्लोब है, तरह तरह की बॉल्स हैं, ये सब गोलाकार हैं। तो एक गोला जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या वाले चार वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी ये एक अकेला गोला उसी की समान त्रिज्या वाले चार वृत्त जो हैं उनके क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, तो चार का क्या हो जाएगा? 4πr² और यही होता है हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस ढंग से अगर हमारे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr² यानी 4×22/7×14×14 और 2464 सेंटीमीटर² हमारा उत्तर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस गोले को बीच में से, केंद्र में से दो बराबर भागों में बांट देते हैं, यानी एक गोला ऊपर जैसे पृथ्वी का गोलार्ध होता है और एक नीचे। ये दो हिस्से हमें मिल गए। अब हमें ये मिली आकृति जो है ये है अर्धगोला। अब इस अर्धगोले में हमारे पास दो क्षेत्रफल आते हैं, एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसका वक्र क्षेत्रफल। तो वक्र क्षेत्रफल होता है गोले का आधा, क्योंकि अर्धगोला है ना, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का आधा अर्ध हो जाता है, यानी वो 4πr² है तो 2πr² हो जाता है। और जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4πr² का आधा ये तो हो गया 2πr². इसके अलावा अब ऊपर भी हमारे पास एक वृत्त आ गया है, इस वृत्त का πr² भी हम जब जोड़ देंगे तब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा हमारे अर्धगोले का, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 3πr². अब जैसे हमें दिया गया कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr² फॉर्मूले में रखा और 1232 सेंटीमीटर² आ गया। और अगर हमें इसी त्रिज्या वाले गोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो वो हो जाएगा 3πr² और उत्तर आ गया 1848 सेंटीमीटर². अब देखते हैं हम हमारा उदाहरण दो। उदाहरण दो में क्या है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, यानी उसकी मोटाई चौड़ाई दे रखी है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें तीन चीज़ें यहाँ पर निकालनी है। तो अब मोटाई यानी ये चौड़ाई दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल r जो है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इस 5 में ये मोटाई भी जोड़नी होगी, तब हमें बाहरी त्रिज्या मिलेगी और ये मोटाई कितनी है 0.25, यानी 5 में हम क्या जोड़ देंगे 0.25, तो बड़ा r यानी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, उसे हमने 2πr² लिया, पाई का मान रखना है 3.14, ये तो प्रश्न में ही बताया गया है हमें, × 5 × 5 उत्तर आ गया 157 सेंटीमीटर². जब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो हमने उसे बड़े r कैपिटल R स्क्वायर से दिखाया और वो हमने त्रिज्या क्या निकाली है 5.25, तो अब मान हमने वो रखा और हमारे पास उत्तर आ गया 173.09 सेंटीमीटर². अब बारी आई अर्धगोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो हिस्सा हमें बाहर दिख रहा है ये पूरा हिस्सा, और जो कटोरे का अंदर का हिस्सा है वो भी तो वक्र रूप में है, एक छोटा अर्धगोला कटोरे के अंदर भी है ना, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये जो कटोरे के ऊपर रिंग है, ये जो हमें रिंग दिख रही है, इसका भी क्षेत्रफल जोड़ना होगा तब हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना। तो इस ढंग से मान लीजिए जैसे हमें कटोरे पे पेंट करना है तो हम कितने हिस्से पे पेंट करने वाले हैं, तो जिस जिस हिस्से पे हम पेंट कर रहे हैं वो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएगा। तो यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हमारी रिंग का क्षेत्रफल।
तो आंतरिक हमारे पास है वक्र, और जो बाहरी है वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब है रिंग का क्षेत्रफल, तो रिंग कैसे मिलेगी, हम बड़े वृत्त में से ये जो हमारा बाह्य वृत्त है जिसका आर हमने कैपिटल आर लिया था, उस बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें, ये गायब कर दें, तो हमारे पास बस ये पीले रंग का हिस्सा रह जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर दें, तो पाई कॉमन निकाला, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम आर का मान रख देते हैं, प्रश्न को हल किया पूरा तो उत्तर आया 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा उदाहरण दो भी हल। अब हमारे प्रयास की बारी आ गई, तो अब देखें क्या क्या प्रश्न दिए हैं हमें। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डी है हमारे पास 21 सेंटीमीटर यानी व्यास, और त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी यानी 21/2 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है हमारा, 4πr² यानी 4 × 22/7 × 21/2 × 21/2। तो 7 × 7 = 21, ये 2 × 4 और ये 11, तो 2 × 11 × 3 × 21, इसे हल करके हमारे पास क्या आ गया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे प्रश्न एक का उत्तर। अब है हमारे पास प्रश्न दो, एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे हल करते हैं, तो अब है हल दो। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर, आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले निकालना है हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 2πr² यानी 2 × 22/7 × 21 × 21, 7 × 7 = 21। अब 2 × 22 × 3 × 21, इसे हल किया तो 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास उत्तर आ गया। अब हमें निकालना है अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक जो वृत्त है उसका और एरिया जुड़ जाएगा यानी 3πr², है ना। तो अब हमारे पास अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 3πr² यानी 3 × 22/7 × r × r। अब इसे हल करें, 7 × 7 = 21, इसे हल किया तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास उत्तर आ गया। अब देखते हैं हमारा प्रश्न तीन। प्रश्न तीन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी इस बार हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और हमें त्रिज्या निकालनी है, तो अब हम इसे हल करते हैं। तो हल तीन, हमें क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है, वो किसके बराबर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालनी है त्रिज्या यानी आर हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 4πr² के बराबर। ये दिया हुआ है 154, तो 4 × 22/7 × r², तो आर स्क्वायर को छोड़ा और 7 चला गया ऊपर, 154 × 7/4 × 22। अब इसे हल करें हम, सबसे पहले 2 × 4, 2 × 7 = 14, 11 × 22, 11 × 7 = 77, यानी 7 × 7/2 × 2, तो r हो गया वर्गमूल 7 × 7/2 × 2, यानी 1 7 बाहर आ गया और 1 2 बाहर आ गया, यानी 7/2 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ गया। अब देखते हैं हमारा प्रश्न चार। प्रश्न चार है, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर वाला लंब वृत्तीय बेलन एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। जैसे ये आकृति में दिखाया हुआ है, ये रहा हमारा बेलन और इसके अंदर एक पूरा का पूरा गोला है। तो ये बेलन और ये रहा हमारा गोला, जो इस बेलन पूरे गोले को घेरे हुए हैं। और क्या बताया गया है कि हमें यहाँ पर क्या देखना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है।
अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये है हमारे गोले की त्रिज्या। जो गोले की त्रिज्या है वही हमारे लिए बेलन की त्रिज्या है ना। और बेलन की ऊंचाई के लिए क्या होगा, यहाँ केंद्र से, इधर से जहाँ हम एंड तक जाएंगे यानी इधर तक, तो ये हो गया हमारे गोले का व्यास और बेलन की ऊंचाई, यानी गोले का व्यास d और बेलन की ऊंचाई h दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पर जब हम d की बात यानी ऊंचाई की बात करेंगे तो हम त्रिज्या का 2 गुना लेंगे, यानी h हो जाएगा हमारा 2 गुना 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अब है हमारे पास हल 4। अब यहाँ पे हमें r यानी त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है ए पार्ट में। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4πr² यानी 4×22/7×7×7। ये कट गया और बाकी को हल किया तो हमारे पास आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बारी आई हमारे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो बेलन की त्रिज्या क्या है, वही त्रिज्या है जो हमारे गोले की त्रिज्या है, हमने देखा ना अभी। तो बेलन की त्रिज्या भी हो गई 7 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई किसके बराबर थी हमारी, बेलन की ऊंचाई थी हमारे गोले के व्यास के बराबर। और गोले का व्यास क्या है हमारा, 2×7 यानी 14 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो किसके इक्वल होता है, 2πrh के, यानी 2×22/7×r×h। ये 7 और ये 7 कैंसिल, और इसको भी हल करके उत्तर क्या आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गए हमारे चारों प्रश्न हल। इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ।